ये कहानी है एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप होता है उसकी नजर पड़ती है रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर जो कि कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहां पर रोकते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं कि बेटे क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर। तो उनमें से एक बोलता है कि आपको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पिता का ध्यान जाता है उस सोने की फल की तरफ जो चमक रहा होता है। फिर उनके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस बनने लग जाती हैं कि काश ये जो फल है ये मेरे बेटे के पास में आ जाए तो ना सिर्फ उसकी बल्कि मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। तो बिना सोचे समझे अपने बेटे को धक्का मार देते हैं उसकी जड़ में और बोलते हैं कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर के आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता है, उसके अपने कुछ और ही सपने होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है अपने पिता को ये समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है, मेरे सपने कुछ और है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उसको धक्का मारते हैं उसकी चढ़ में और बोलते हैं कि मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, तुझे बता रहा हूं कि तुझे वो लेकर के आना है। तो वो बेटा भी अपने बाप के सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस सोने का फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता है उस फल को पकड़ने के लिए वो और नीचे धंसने लग जाता है और फिर जाकर के उसको समझ आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है। लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते, बोलते हैं कि बहाने मत बना, और भी लोग हैं वहां पर जो कर रहे हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। तो एक बार वो फिर से कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर के उसके पिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो वहीं बैठ करके रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु आता है और वो साधु उस आदमी से पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए उस साधु को अपनी पूरी बात बताता है और बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो जो कुछ भी किया अपने बेटे की खुशी के लिए किया। तो वो साधु उस फल को ध्यान से देखता है और उस आदमी को कहता है जिस सोने के फल की वजह से तुमने अपने बेटे को गवा दिया, कम से कम एक बार ध्यान से उसकी तरफ देखा तो होता कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। ये सुन करके उस आदमी को गुस्सा आया और उसने कहा कि सामने तो दिख रहा है फल, आपको नहीं दिख रहा क्या। तब वो साधु उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है जिसकी तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो उस फल की परछाई है, असली फल वहां पर उस पेड़ के ऊपर है। फिर वो साधु उस आदमी को बोला कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने की बजाय और उसको बताने की बजाय कि तेरी खुशी किसमें है, अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू बता तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा होता बल्कि हो सकता है कि उसके हाथ में वो असली सोने का फल भी होता।